हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 15 प्रो का कंप्लीट रिव्यू करेंगे iOS 17.3.1 के नए स्टेबल अपडेट में। ये जो अपडेट है कैसा परफॉर्म कर रहा है आईफोन 15 प्रो के ऊपर, ये जो अपडेट है एप्पल ने रिलीज़ किया था 9 फरवरी को, तो आज की डेट हो चुकी है, आई थिंक 17 हो चुकी है, 17 फरवरी। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं इस अपडेट को यूज़ करते हुए मुझे आईफोन 15 प्रो के ऊपर। तो बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले परफॉर्मेंस और बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप की, और साथ में नेटवर्क्स के बारे में भी बात करेंगे, कैसा नेटवर्क्स जो है वो आईफोन 15 प्रो सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है अगर आप 17.3.1 के नए अपडेट को यूज़ करोगे इस डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ कितनी डिक्रीज़ हुई है इस नए अपडेट में, और बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बैटरी हेल्थ आप देख सकते हो 99% हो चुकी है। तो इस डिवाइस की अभी वारंटी पड़ी हुई है पूरे साल की, और साथ में अभी तक ही इसकी जो बैटरी हेल्थ है 1% ड्रॉप हो चुकी है इस नए लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। ये कुछ एप्लीकेशंस मैं डे टू डे रूटीन में यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो दो एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, यही डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और कोई भी एप्लीकेशन इतनी जल्दी जो है वो यूज़ नहीं करता हूँ मैं। और साथ में जो रात के टाइम पे इसमें ज़रा सी भी बैटरी का ड्रेन इशू देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 99% बैटरी हेल्थ है, और आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल है ये आईफोन 15 प्रो, इसलिए जो रात के टाइम पे बैटरी ड्रेन होती है वो आपको पुराने डिवाइसेस में फेस होने वाली है ये प्रॉब्लम। बस इस डिवाइस में आपको कोई भी ये बैटरी ड्रेन का इशू रात के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा, जितनी आपकी बैटरी होगी उतनी ही सुबह आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो डिवाइस है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है इस नए लेटेस्ट अपडेट में, आपको कोई भी लैग्स वगैरह के इशू फेस नहीं होंगे अगर आप इस नए लेटेस्ट अपडेट को अपडेट करते हो अपने आईफोन 15 प्रो के ऊपर। आप देख सकते हो जैसे मैं अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर टैप करता हूँ, तो उसी टाइम के ऊपर ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन कर देता है, कोई भी लैगिंग आपको देखने को नहीं मिलती है इस डिवाइस के ऊपर। परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बढ़िया है, कोई भी आपको इसमें इशू देखने को नहीं मिलेगा। बट मैंने एक इशू नोटिस किया था आईफोन 13 के ऊपर कि लॉक स्क्रीन का इशू था वो, बट रीस्टार्ट करने के साथ फिक्स हो गया था। आई थिंक आपने वीडियो वॉच करी होगी, अगर आपने वॉच नहीं करी तो आपको उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना चाहिए। आईफोन 13 के ऊपर भी बग्स देखने को मिल रहे हैं इस नए लेटेस्ट अपडेट में। तो यहाँ पर बात आती है इस डिवाइस की नेटवर्क्स के बारे में। नेटवर्क्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, वाईफाई में भी कोई भी आपको प्रॉब्लम इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हो सिम कार्ड के जो सिग्नल्स हैं वो भी कंप्लीट आ रखे हैं, पूरे के पूरे 4 सिग्नल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, और साथ में वाईफाई के रिलेटेड कोई भी आपको पुअर कनेक्शन इशू देखने को नहीं मिलने वाला है इस नए लेटेस्ट अपडेट में आईफोन 15 प्रो सीरीज़ के ऊपर। तो ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एप्पल ने इस नए लेटेस्ट अपडेट में टेक्स्ट का जो ओवरलैपिंग यानी कि डुप्लीकेसी का जो इशू है उसको फिक्स करा है, इसीलिए अगर आपको ये इशू पुराने वाले अपडेट में फेस हो रहा था 17.3 के, तो इस सब नए अपडेट को आपको ज़रूर अपडेट करना चाहिए। तो मेक श्योर रखें कि इस अपडेट को ज़रूर इंस्टॉल करें अपने आईफोन 15 प्रो के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।